तो आज मुझे करनी है अपने घर की नालियों की सफाई। तो मैं उसके लिए अभी जब शॉपिंग करने गई थी ना, तब मैं लेकर आई थी ये कीवी का ड्रेनेक्स। तो इसका मैं पूरा ही पैकेट लेकर आ गई थी, तो ये उसी में से ही पीस निकाल लाई हूँ एक। और जब हम पूरा डिब्बा लेके आते हैं ना, तो थोड़ा सस्ता भी पड़ जाता है, और वैसे भी ये चीज़ की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो मैं यहाँ पे लेकर आई थी पूरा पैकेट का, और उसमें से मैंने एक ये पैकेट निकाल लिया, मतलब पूरा डिब्बा लेकर आई थी और इसमें से मैंने एक पैकेट निकाल लिया है। तो मैंने डाल दिया है सिंक में और वॉश बेसिन में, दोनों ही मैं डाल दूँगी आधा आधा पैकेट, क्योंकि इनकी नालियाँ हैं ना वैसे तो साफ़ रहती हैं, हम रेगुलर साफ़ करते रहते हैं, लेकिन अंदर से ना थोड़ा बहुत कचरा जाता रहता है, तो ब्लॉकेज का डर लगा ही रहता है। और वैसे भी मैंने काफ़ी दिनों से इन सब चीज़ों को साफ़ नहीं कर पाई थी, तो था ही नहीं तो ख़त्म हो गया था, इसी वजह से मैंने साफ़ नहीं किया था। लेकिन अब मंथली ग्रॉसरी लेकर आई थी ना, तो उसमें मैंने इन्हें ऐड कर लिया था, और ऐसा ही मैं करती भी हूँ। तो बस मैंने उन्हें डाल दिया है, और डाल के ना आधे घंटे के लिए तकरीबन छोड़ना पड़ता है। तो वैसे तो इसको पानी में भी डाल के, मतलब पानी में घोल के भी डालते हैं, लेकिन मैंने सूखा ही डाल दिया था, क्योंकि ना इनमें पानी की जगह, ये खुद ही पानी की जगह होती है, तो पानी तो इसमें था, तो मैंने सूखा पाउडर ही डाल दिया था, और बस हल्का सा पानी का 2-4 बूंद डाल के छोड़ के चली आई हूँ। और आके अब मैं कपड़े भिगो दूँगी यहाँ पे, तो जितनी देर में वो उधर फूलेगा, जो हमारा ड्रेनेक्स डाला है मैंने, जो कचरा है उसका, वो फूलता रहेगा, तब तक के लिए मैं कपड़े भी भिगो लूँगी। तो इस तरह से मेरे काम कंटिन्यू चलते रहेंगे। तो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग संतोष वर्मा ब्लॉग। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार, और बड़ों को चरण स्पर्श। तो यहाँ पे हमारे गुड मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है, तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। और मैं कपड़े भिगो दे रही हूँ ना, तो इससे होगा क्या कि मेरे एक साथ कई काम होने शुरू हो जाएंगे, जैसे कि उधर मैंने वो पाउडर भी डाल दिया है, इधर मेरे कपड़े भी भीग जाएंगे, और साथ के साथ मैं क्लीनिंग वगैरह भी करती चल रही हूँ, डस्टिंग भी करती चल रही हूँ। तो कुल मिला के ना इतने काम एक साथ हो जाते हैं ना, कि फिर इतना भारी नहीं दिखाई देता है जो भी घर का काम होता है, क्योंकि हम लगातार कंटिन्यू काम करते ही रहते हैं। और अब की बार जब मैं गई थी ना, तो वो पुराना वाला लिक्विड वाला सर्फ नहीं लेके आई थी, ये एरियल वाला सर्फ लेकर आई थी, और ये मुझे उससे भी ज़्यादा अच्छा लगा। तो देखिए, बदल बदल के कुछ ना कुछ ट्राई करती रहती हूँ ना, तो उससे मुझे नए नए एक्सपीरियंस भी होता रहता है, और मुझे पता लगता रहता है कि मुझे क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। तो इसी तरह से देखिए, कोई भी चीज़ हम सीखते हैं तो कुछ ना कुछ नया करेंगे, तभी तो हम सीखेंगे। तो बस इसी तरीके से मैं भी कुछ ना कुछ नया करती रहती हूँ और सीखती रहती हूँ। तो देखिए, ये मैं पाउडर गिर के गई थी ना, सूखा पाउडर गिरने का ये मकसद था मेरा कि चारों तरफ को जितनी भी गंदगी होगी ना, इसे ये अच्छे से फुला देगा। अगर मैं गीला डालती ना, तो सीधा ही नीचे चला जाता नाली के तरे पे, और फिर ऊपर की तरफ को फूल नहीं पाता, जो भी गंद था इधर का वो फूल नहीं पाता। तो इसीलिए मैंने सूखा पाउडर चारों तरफ को गिरा था, और अब हल्का सा ब्रश लगाया है, हो गई मेरी नाली के जितने भी ये हमारा स्टेनर था, इसकी जालियाँ बिल्कुल साफ़ हो गई हैं। तो देखिए कितने अच्छे से सफाई हो गई है। अब रह गई इसकी ऊपरी सतह की सफाई, तो वो तो मैं बाद में करूँगी, पहले जाके मैं किचन की भी नाली को देख लेती हूँ। और देखिए, मैं इधर भी आ गई हूँ, तो सुबह चाय वगैरह पी थी, उसी के 2-3 बर्तन रखे हैं अभी। तो देखिए, मैंने एक ही पैकेट को खोला था, और एक पैकेट में से आधा से ज़्यादा तो मैं उधर वॉश बेसिन वाले एरिया में डाली आई थी, और थोड़ा सा बचा था तो मैं इधर भी डाल दिया, क्योंकि इस वाली नाली की सफाई मैं रेगुलर करती ही रहती करती तो मैं उधर की भी हूँ, लेकिन फिर भी देखिए कहीं ना कहीं इसकी सफाई हमारे दिन में 3-4 बार हो जाती है। जब जब बर्तन धोने आती है, तब तक मैं इसको अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। और अब तो मैंने काफ़ी सारा पानी भी डाल दिया है, तो इस तरह से ये नाली में जितने भी कीड़े मकोड़े होंगे या गंदगी या कुछ भी अटक रहा होगा ना, सब बह जाएगा, बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। और देखिए पानी कितने अच्छे क्लियर तरीके से निकलने लगा था। और उसके बाद में बस मैं चली गई थी अपना झाड़ू पोछा करने के लिए। झाड़ू पोछा करके डायरेक्ट मैंने कपड़े ही धोने के लिए बैठी थी, तो झाड़ू पोछा से लेके और कपड़े धोने तक का जो सिलसिला था ना, वो मैंने शूट नहीं किया। और देखिए, जब मैंने कपड़े भिगोए थे ना, तब से लेके और उसके बाद तो मैंने काफ़ी सारे काम किए थे, तो इस बीच में ना कम से कम 1 घंटे का फासला हो गया था। और 1 घंटे में कपड़े इतने अच्छे से फूल जाते हैं ना, एक तो गुनगुना पानी होता है और दूसरा कपड़े भिगे हुए होते हैं ना, तो बस उनको जल्दी जल्दी ब्रश मारो या हाथ से रगड़ो और कपड़े हो जाते हैं हमारे डन। तो फटाफट मैंने उनको भी धो के सुखा दिया
लिया है और बच्चों ने नाश्ता भी कर लिया है, तो बस इस तरह से जल्दी जल्दी अपने घर का काम निपटा रही हूँ। और मुझे जाना है थेरेपी कराने के लिए, तो देखिए जितना जल्दी हो सकता है ना मैं उतना जल्दी काम निपटाने की कोशिश करती रहती हूँ। तो बीच में जाके जैसे ही नहाई थी तुरंत ही मैंने पूजा कर ली थी और खाना भी बना के रख दिया है। तो खाना बस अभी मैंने हस्बैंड के लिए ही बनाया है क्योंकि वो लेके जाएंगे खाना। सुबह जितने भी मैंने सब्जी वगैरह बनाई थी, आटा गूंथा था, ये सारे कुल मिला के चाय के नाश्ते के सारे बर्तन जो भी थे, बीच में एक बार मैं वॉश भी कर गई थी तो उन्हें सारे को मैंने लगा भी दिया है। दूध वगैरह के भी बर्तन हो जाते हैं जब हम दूध के लेकर आते हैं, तो ना धीरे धीरे करके ना फिर बर्तन ज़्यादा इकट्ठे होते रहते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि जहाँ 10-5 बर्तन देखे मैंने और मैंने फटाफट उनकी सफाई करनी शुरू करी, तो इस तरह से ना सिंक में बर्तन भी नहीं इकट्ठे होते हैं। और देखिए काम मुझे ही करना है, चाहे मैं हंस के करूँ या रो के करूँ या मैं बहल के करूँ या मैं टहल के करूँ, काम तो देखिए मुझे ही करना है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ जब भी मैं किचन में जाऊँ तब सबसे पहले मेरा काम रहता है किचन की क्लीनिंग करना और दूसरा बर्तनों को वॉश करना, ताकि दो काम ये हो जाते हैं ना तो किचन में इतना भार सा दिखाई नहीं देता। मुझे सारे घर में काम सबसे ज़्यादा दो ही टफ लगते हैं, एक तो झाड़ू पोछा लगाना और दूसरा बर्तनों को और किचन को साफ कर रखना। क्योंकि ना एक तो जो झाड़ू पोछे का काम होता है उसके साथ साथ डस्टिंग भी होती है, घर को संगवाना सेट करना भी होता है, तो ये मुझे सबसे ज़्यादा बड़ा काम नज़र आता है। दूसरा काम आता है मुझे बर्तनों का, क्योंकि देखिए बर्तनों को मांजने से ही काम नहीं बन जाता, फिर उस जगह की पूरी की क्लीनिंग भी करनी पड़ती है और साथ के साथ पूरी किचन की भी क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो ये दो काम ऐसे होते हैं जो मुझे सबसे ज़्यादा टफ नज़र आते हैं। बाकी सारे काम जितने भी होते हैं ना वो तो मैं चलते फिरते करती रहती हूँ। और कपड़े धोना तो मुझे सबसे ज़्यादा इजी लगने लगा है, जब से लगने लगा है जब से मैंने ये लिक्विड वाला सर्फ यूज़ करने लगी हूँ ना तब से, क्योंकि इसमें ना बस हल्का सा दबाना पड़ता है, मतलब हल्का सा कपड़े को मीढ़ना पड़ता है, इतने में ही कपड़े साफ़ हो जाते हैं। और एक एक घंटे तक मैं भिगो के रखती हूँ ना, तो उससे ही होता क्या है कि सारा ही मैल फूल जाता है, तो मुझे ज़्यादा रगड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और वैसे भी देखिए अब मैं तो कितने लाइट कलर के भी कपड़े पहनती हूँ, लेकिन इतनी लाइट कलर की देखिए मैंने साड़ी पहन रखी है और इस साड़ी से मैं सारे ही घर का काम करती हूँ। लेकिन मजाल नहीं है जो इस पर एक भी दाग धब्बा लगने देती हूँ या कोई धब्बा रह भी जाता हो धुलने में, क्योंकि देखिए हम अगर कोई भी काम केयर से करते रहेंगे और कंटिन्यू करते रहेंगे ना तो हमें उसकी सभी चीज़ों की आदत पड़ जाती है। और देखिए मेरी हो गई आप लोगों से बातें करते करते किचन भी साफ। तो इस तरह से ना देखिए दो काम मेरे हो गए, एक तो मैंने सुबह पहले एक बार साफ़ कर चुकी थी सिंक को और दोबारा भी अब साफ़ कर दे रही हूँ और सारा कचरा बटोर दे रही हूँ। तो देखिए इस तरह से ना दिन भर में ही 2-3 बार तो साफ़ हो जाती है, लेकिन वॉश बेसिन का एरिया एक ऐसा होता है जिसे हम नहाने के बाद नहीं साफ़ करते हैं, क्योंकि उस पर देखिए सभी तरह के हाथ लगते रहते हैं, इसलिए मैं उसे साफ़ नहीं करती हूँ। और नहाने के बाद का तो बस मेरा किचन का ही काम रहता है, बाकी मैं कोई काम करना पसंद नहीं करती हूँ। और अपने घर के सारे ही कामों से फ्री हो गई हूँ, तो दोपहर के लिए मैंने आटा गूंथ के भी रख दिया है और सब्जी बना के रख दी है, ताकि मैं थेरेपी करा के आऊँगी ना तो फिर मुझे सिर्फ एक खाना सेकना रह जाएगा, मतलब रोटियाँ सेकनी रह जाएंगी। फिर उसके बाद में ना थकावट इतनी हो जाती है कि काम करने का ज़्यादा मन नहीं करता है, तो इसीलिए मैं सारे काम निपटा के ही जाती हूँ अपने घर के। और बस यहाँ पे अब मैं अपनी घर जाने की तैयारी कर रही हूँ, तो मैं भर रही थी बोतल, क्योंकि वहाँ पे ना पानी तो होता है लेकिन सभी तरह के लोग होते हैं और देखिए आजकल इन्फेक्शन का ज़्यादा खतरा लग रहा है और बुखार वगैरह ज़्यादा हो रहा है सभी को, तो इसीलिए थोड़ा मैं सोच रही हूँ कि अपने आप को बचा के रखूँ इन सब चीज़ों से। तो मैंने क्या सोचा था कि अपनी बोतल अपने साथ लेके जाती हूँ, तो मैं यहाँ पे बोतल भर रही थी और ये मैं अभी अभी नीचे से छोटी सी बोतल ढूंढ ढांड के लेकर आई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसमें से पानी लीकेज हो रहा है। और जैसे ही मैं इसे बैग में रखने लगी छोटी सी बोतल को, तभी इसमें से पानी डिप 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 करके गिरने लगा।
मुझे लगा कहीं ऐसा ना हो कि इसके सारे पैसे वगैरह या मोबाइल वगैरह सब भीग जाएं, तो मैं फिर सोचने लगी कि अब इसका क्या इलाज करना चाहिए। काफ़ी बार मैंने ढक्कन को खोला था, बंद भी करा था, सोच रही थी कहीं ऐसा तो नहीं है कि चूड़ी पे चूड़ी चढ़ गई हो इसकी, इस वजह से ढक्कन ऐसा हो रहा है। पानी भी थोड़ा कम करके देखा, एक घुट पी लिया था, मैंने सोचा चलो अब पानी नहीं गिरेगा, लेकिन इसमें से कंटिन्यू पानी गिरता ही चला जा रहा था। और मुझे बिल्कुल भी ये पता ही नहीं था कि इस ढक्कन में ही होल हो रहा है, मतलब किसी ने शरारत करी होगी घर में और इसमें कोई या तो कील मार दी होगी या कोई नुकीली चीज़ मार दी है ढक्कन में, जिससे कि इसमें से पानी निकल रहा था। और ये बात मैंने बाद में देखी थी, जब मैं ये कपड़ा डाल के अब पानी देख रही हूँ ना, तब मुझे पता लगा था कि इस ढक्कन में ही छेद हो रहा है। तो बस फिर क्या था, घर में अपने तो थोड़ा बहुत तो जुगाड़ रखना ही चाहिए, और हम हाउस वाइफ तो वैसे भी थोड़ा बहुत जुगाड़ अपने घर में रखते ही हैं। तो मैंने निकाली थी एनसील, जो कि मैंने अभी थोड़े दिनों पहले आपको किचन टूर में मैंने शेयर भी किया था, जब मैंने किचन का दोबारा से मेकओवर किया था और मैंने आप लोगों को बताया था कि ये एमसील वगैरह से मैं काफ़ी कुछ घर में काम करती रहती हूँ। और जो किचन में लगाने वाले हैंगर वगैरह थे वो सब मैंने इसी एमसील से ही लगाए थे, क्योंकि मेरी किचन का जो भी पल्ले हैं ना, जो कवर चढ़े हुए हैं, वो सब लोहे के हैं, तो उन पे ना कोई भी होल मैं कर नहीं सकती, तो ये एमसील की मदद से ही मैं सारे काम करती रहती हूँ। तो इसी वजह से ये एमसील मैंने रख रखी थी। और बस यहाँ पे मैंने जितना बड़ा ये होल था ना, उसी के साइड में लगा दिया है छोटा सा टुकड़ा। तो ये दो किले आती हैं और दोनों किले को मैंने छोटे छोटे से ले लिया था, मतलब एक एक इंच समझ लीजिए ले लिया था, और दोनों को अच्छे से मिक्स कर लिया था। और मिक्स करने के बाद में अब मैंने इसको चारों तरफ से दबा के अच्छे से लगा दिया है, ताकि इसमें से पानी नहीं निकलेगा। और मैंने सच में लगा के आप लोगों के सामने भी दिखाया है, देखिए एक बूंद पानी नहीं निकल रहा है। और अब मैं इसको रख दूँगी, वैसे इसको थोड़ी देर सुखाना होता है, लेकिन मैंने इसमें ना बैग के अंदर खड़ी करके बोतल रख दी है, ताकि ये ना सूख जाएगी। और इसमें मैंने कुछ सामान भी रख रखा है। और मैं चली गई थी थेरेपी कराने के लिए, और देखिए जब मैं वहाँ से लौटी तो कितना अच्छा, मैं जाती हूँ ना तब भी मंदिर में हाथ जोड़ के जाती हूँ, और जब मैं लौट के आती हूँ तब भी मंदिर में हाथ जोड़ती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं आई थी तो इतना अच्छा दीपक में फूल बन के आया था, सोचा आप लोगों के साथ में शेयर भी कर देती हूँ। और इसमें बनी हुई है दो आँखें सी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ लूँगी आप लोगों से अलविदा। अगर ब्लॉग वीडियो पसंद आए ना तो लाइक शेयर एंड